हेलो फ्रेंड्स, कविता की रसोई में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपावली की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। आज हम लोग बनाएंगे ताजे नारियल की बर्फी। फ्रेंड्स, आप लोगों ने तो बहुत बार नारियल के बुरादे की बर्फी बनाई होगी, लेकिन आज आप मेरे तरीके से ताजे नारियल की बर्फी बनाकर देखिए, वो भी मावा मिलाकर। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, तो क्यों ना इस दिवाली में आप यही बर्फी बनाएं। तो फिर देर न करते हुए चलते हैं कविता की रसोई में और इसे बनाना शुरू करते हैं। इस तरह ग्रेट करके मिक्सर में इसको ग्राइंड कर लिया है। यह इस कप से 2 कप है। इसका आधा चीनी लिया है, इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। 1 लीटर दूध को गाढ़ा करके उसका मावा बना लिया है। आधा चम्मच छोटी इलायची को क्रश कर लिया है और 1 चम्मच घी है। मैंने गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसमें डाल देंगे नारियल। फ्लेम को लो रखेंगे और इसको 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें नमी रहती है तो इसको भूनेंगे तो इसकी नमी खत्म हो जाएगी और ड्राई हो जाएगा। अब इसका पानी सूख चुका है, अब इसमें डाल देंगे मावा। इसको 1 मिनट तक इसमें भूनेंगे। अब इसमें चीनी डाल देंगे। इसको तब तक भूनेंगे जब तक यह अच्छी तरह से मिक्स होकर सूख न जाए, पूरा ड्राई भी नहीं करना है। इसको बनाते हुए 10 मिनट हो चुका है। चीनी डालने के बाद मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया था, इसको मीडियम फ्लेम पर उसके बाद पकाया है। और इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, इसमें 2-3 बूंद केवड़ा एसेंस डाल देंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे ताकि यह नीचे सटे नहीं, कुछ देर और होगा। अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, देखिए कढ़ाई से मिश्रण छोड़ रहा है। अब यह अच्छी तरह से जम जाएगा, इसलिए अब गैस को बंद कर देंगे। गैस के बंद करने के बाद भी इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। एक प्लेट में मैंने बटर पेपर बिछा दिया है और इसे घी से ग्रीस कर लिया है। तो मिश्रण को इसमें डाल देंगे। मिश्रण को अच्छी तरह से फैलाकर इसको सेट कर दिया है। मोटाई आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ऐसे थोड़ा सा कर देंगे जो अंदर से चिपक जाए। अब इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे और आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, प्लेट को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसको इस पर डालेंगे। अब एक चाकू की सहायता से इसको काटेंगे। इसी तरह सभी को काट लेंगे, फिर इधर से एक बार काटेंगे चौकोर साइज का है। देखिए बर्फी निकाल कर देखते हैं, देखिए कितना अच्छे बर्फी बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह सारे बर्फी को काट कर प्लेट में सर्व करने के लिए रखेंगे। देखिए कितना अच्छा नारियल की बर्फी बनकर तैयार है। इसमें मैंने मावा डाला है इसलिए इसका कलर ब्राउन हो गया है, लेकिन यह स्वाद में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। आप इसे किसी पर्व में भी बनाकर खा सकते हैं। इसमें ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होती है और समय भी कम लगता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसे अवश्य बनाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए
तो इसे कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।